अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ एनिमल बिहेवियर। और लेट्स कंटिन्यू आवर सब्जेक्ट ऑफ एनिमल बिहेवियर। जो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया था अबाउट एक्सपीरियंस एंड लर्निंग, और हमने कहा था कि एक्सपीरियंस जो है वो कितना रोल प्ले करता है एक बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए। आज हम प्रॉपरली, फिर हमने ये कहा था कि जहाँ एक्सपीरियंस, कुछ एग्जांपल्स के साथ हम डिस्कस कर चुके थे कि एक्सपीरियंस ठीक है, दैट डज प्ले अ रोल इन मास्टरिंग अ बिहेवियर, बट कुछ एग्जांपल्स और मोस्टली हम देखते हैं कि कुछ एरियाज़ में एक्सपीरियंस लिमिट हो जाता है, उसकी एक ख़ास लिमिट होती है। तो फिर उसके बाद जो स्टार्ट होती है, जो कि हमारे पास रीज़न होता है, वो है लर्निंग। ठीक है, तो उसको साइंटिस्ट ने फिर लर्निंग के अंदर कैटेगराइज़ किया है कि जब जहाँ पे एक्सपीरियंस की लिमिटेशंस आती है तो वहाँ पे लर्निंग अपना रोल प्ले करती है। सो लेट्स किक ऑफ विद आवर टुडेज लेक्चर, और दैट इज़ अबाउट लर्निंग। ओके, सो यहाँ पे हम अपने जो टेक्स्ट को फॉलो करते हैं, तो एज़ यू नो कि वी हैव टू गो थ्रू द टेक्स्ट, और हम टेक्स्ट को पहले रीड करते हैं जो हमारा मेथड है, और फिर उसको साइड बाय साइड उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इट रीड्स, पैरेलल इज़ ऑफ्टन ड्रॉन बिटवीन लर्निंग एंड द एवोल्यूशन ऑफ बिहेवियर बाय नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा, नॉर्मली जो यहाँ पे लिखा गया है कि लर्निंग एंड नेचुरल सिलेक्शन दे आर ऑफन टेकन एज पैरेलल। ठीक है, कि लर्निंग और नेचुरल सिलेक्शन, इनमें क्या चीज़ कॉमन है? बोथ आर मीन्स बाय विच बिहेवियर इम्प्रूव्स इन द सेंस ऑफ बिकमिंग मोर इफेक्टिव एज एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। बात यह है कि लर्निंग और नेचुरल सिलेक्शन में एक चीज़ कॉमन है कि दे बोथ हेल्प्स इम्प्रूव्स द बिहेवियर इन सेंस ऑफ बिकमिंग मोर इफेक्टिव बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स और सर्वाइवल, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और एंड रिप्रोडक्शन, जिसको हम फिटनेस बेनिफिट कहते हैं, आगे जाके रिप्रोडक्शन में वो हेल्प करता है वो बिहेवियर्स। तो दैट्स ऑल अबाउट इम्प्रूवमेंट। अब लर्निंग और नेचुरल सिलेक्शन दोनों जो है बिहेवियर को इम्प्रूव करते हैं, लेकिन बेसिक एक डिफरेंस ये है जो हमारा यहाँ पे पंच लाइन है, दैट इज़ लर्निंग शेप्स बिहेवियर विद इन जनरेशंस वाइल सिलेक्शन एक्ट्स बिटवीन जनरेशंस। ये इम्पोर्टेंट है कि लर्निंग एक ही जनरेशन के अंदर, करंट जनरेशन के अंदर क्या है, इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, उसके अंदर बिहेवियर की इम्प्रूवमेंट, वाइल सिलेक्शन एक्ट्स बिटवीन जनरेशंस, और सिलेक्शन पर सक्सेसफुल बिहेवियर्स वो पर थ्रू जनरेशंस सेलेक्ट होते हैं, सो दैट इज़ बिटवीन जनरेशन। तो ये जिसको हम कह सकते हैं कि लर्निंग इज़ ऑन्टोजेनेटिक बिहेवियर, वाइल नेचुरल सिलेक्शन इज़ फाइलोजेनेटिक बिहेवियर। ठीक है, ओके। Ideas about learning have developed under many different theoretical frameworks, and its pioneers include some of the greatest names in the history and study of behavior: Pavlov, Thorndike, Watson, Hull, Tolman, and Skinner among them. हम obviously history में नहीं जाएंगे, हम history of animal behavior काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं स्टार्ट में। तो यहाँ पर सिंपल ये है कि कुछ theoretical framework इस हवाले से learning और जो है नेचुरल सिलेक्शन पे ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पे बहुत काम किया है। पावलोव है, थॉर्नडाइक है, वॉटसन, हल, तो ये जो जितने भी ये नाम है। ठीक है, अब हम जाते हैं ज़रा आगे और डिस्कस करते हैं कि लर्निंग कहाँ पे जो है एक्ट करती है, और लर्नड बिहेवियर जो है वो कौन से होते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल जो गिवन है कि यंग बर्ड्स फॉर एग्जांपल कैन नॉट फ्लाई एट फर्स्ट, इंस्टेड दे अपीयर टू प्रैक्टिस द अप्रोप्रिएट मूवमेंट्स एज दे ग्रो अंटिल आफ्टर अ फ्यू वीक्स दे हैव डेवलप्ड द कैपेसिटी फॉर फ्लाइट।
बर्ड जो है फॉर एग्जांपल वो फर्स्ट अटेम्प्ट में इंस्टेड के वो प्रैक्टिस करते हैं उस तरह के जो है वो जिस जो उनके विंग्स हैं उनको प्रैक्टिस करते हैं, उनको प्रॉपरली मूव करते हैं, फिर भी जो है वो अनअप्रोप्रिएट जो है उनकी जो मूवमेंट होती है वो ट्रूली जो है वो ग्रो नहीं हुई होती, और अंटिल आफ्टर अ फ्यू वीक्स और अ फ्यू वीक्स ऑफ प्रैक्टिस जो है वो दे लीड इन टू देयर फर्स्ट फ्लाइट. सो यहाँ पे क्या है, इट सीम रीजनेबल टू कंक्लूड दैट दे लर्न टू फ्लाई एंड दैट प्रैक्टिस इज नेसेसरी टू डेवलप दैट स्किल. ठीक है, यहाँ पे अब प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. अब जो बेसिक प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आती है कि हाउ एवर ग्रोमेन इन 1935 रियर्ड पिजन्स, और यहाँ पे पिजन्स की एग्जांपल है जिसमें जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब पिजन्स जो है उनमें एक इंटरेस्टिंग एक स्टडी हुई है, और उसमें ये था कि जो यंग पिजन्स हैं उनको कैप्टिविटी में रखा गया. ठीक है, दे वर नॉट अलाउड टू फ्लाई. ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस जो है वो नहीं थी फ्लाइट की. व्हेन ही रिलीज देम एट द एज दे वुड नॉर्मली बी एबल टू फ्लाई सक्सेसफुली, देयर वॉज नो डिफरेंस इन देयर प्रोफिशिएंसी रिलेटिव टू अनकन्फाइंड बर्ड्स सजेस्टिंग प्रैक्टिस वॉज नॉट नेसेसरी. अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि पिजन्स के अंदर इसको स्टडी किया गया कि उनको रखा गया कैप्टिविटी में फ्रॉम वेरी यंग एज, और जो एज प्रैक्टिस की होती है फ्लाइट सीखने के लिए वो एज उनको बिल्कुल कैप्टिविटी में रखा गया, केजेस में रखा गया, और फिर जब वो एक पर्टिकुलर एज उनकी पहुंची जिसमें नॉर्मल बर्ड जो है वो फ्लाई करते हैं, तो जब उनको छोड़ा गया सो दे हैड वेरी सक्सेसफुल फ्लाइट. ठीक है, तो मतलब कि प्रैक्टिस वॉज नॉट नेसेसरी फॉर देम. अब यहाँ पर आके आप एक कन्फ्यूजन जो है क्रिएट हो जाती है कि आया अब फ्लाइट जो है, फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, आया दिस इज़ लर्नड बिहेवियर और नॉट. ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस ज़रूरी है या नहीं है. अब ऊपर की एग्जांपल आप देख लें तो फ्लाइट इज़ अ लर्नड बिहेवियर. नीचे वाली एग्जांपल में आप देखें तो फ्लाइट इज़ इननेट बिहेवियर. ठीक है, अब ये एक प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो एक साइंटिस्ट है मैकिंटोश, ही सेज दैट इट इज़ प्रॉबली नॉट हेल्पफुल टू वरी टू मच अबाउट ऑल एम्ब्रेसिंग डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग, इंस्टेड इट इज़ मोर इंस्ट्रक्टिव टू फोकस ऑन द डिफरेंट सिचुएशंस इन विच लर्निंग अकर्स एंड द कंडीशंस नेसेसरी फॉर इट्स एक्सप्रेशन. ठीक है, अब ये जनाब कहते हैं कि वी शुड नॉट बी वरी अबाउट डेफिनेशंस के लर्निंग को कैसे हम डिफाइन करें. जैसे हमने पहले कहा कि डेफिनेशंस के पीछे नहीं जाना चाहिए, हर चीज़ जो है वो डिफाइन नहीं हो सकती. इंस्टेड हम क्या करें कि फोकस करें उस लर्निंग पे डिफरेंट सिचुएशंस में और डिफरेंट उसके कंडीशंस में जो कि उसकी एक्सप्रेशन के लिए नेसेसरी है. एनी हाउ, हम ये बात बाहर कर चुके हैं कि हम लर्निंग को डिफाइन नहीं कर सकते. यहाँ पे एग्जांपल मैंने सिर्फ इस वजह से दी आपको कि क्यों नहीं डिफाइन कर सकते, बिकॉज एक ही फ्लाइट बिहेवियर है बर्ड्स का, और एक जगह पे वो लर्नड बिहेवियर है, एक जगह पे वो इननेट बिहेवियर है. तो फिर हम कहते हैं कि अब हम कैसे डिफाइन करें उसको कि जो सब पे फिट बैठ जाए. तो ऑब्वियसली ये एनिमल बिहेवियर इज़ काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट जहाँ पे हमारे पास बहुत ओवरलैपिंग एरियाज़ है, फिर भी वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन. सो टू बिगिन विद हाउ एवर वी शैल डिस्कस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लर्निंग यूजिंग अ स्लाइटली एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय थॉर्पी इन 1963. अच्छा, यहाँ पे बात यह है कि अब हमने आगे मूव करना है, हमने जो है लर्निंग सीखनी है, और ये जो एज अ साइंस है लर्निंग बिहेवियर लर्नड बिहेवियर्स उनको हमने क्या करना है, बहरहाल स्टडी तो करना है. तो कुछ ब्रॉडली उनकी क्लासिफिकेशन जो है वो हुई हैं, और यहाँ पे जिस साइंटिस्ट का जिक्र है दैट इज़ थॉर्पी, ये एक रिनाउंड जोलॉजिस्ट है, एनिमल बिहेवियर स्पेशलिस्ट गुजरा है, और उसने इसको फॉर द फर्स्ट टाइम लर्नड बिहेवियर को क्लासीफाई किया था. तो थोड़ा सा हम उसकी तरफ जाते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे. और वो ये है कि
ये काफ़ी पुरानी क्लासिफिकेशन है, फॉर द फर्स्ट टाइम क्लासिफाई किया गया था। तो वाइल द बाउंड्रीज बिटवीन थॉप्स कैटेगरीज हैव ब्लर्ड कंसिडरेबली इन द लाइट ऑफ सबसीक्वेंट वर्क एज वी शेल सी। तो क्या है कि अब थॉप्स ने कैटेगराइज किया था बिहेवियर को, लेकिन उसके बाद काफ़ी रिसर्च हुई है आज तक, ठीक है, 1963 जो है अब तक जो है काफ़ी उसमें एडवांसमेंट हुई है। तो हम वो काफ़ी चेंज हुई है वो क्लासिफिकेशन, तो हम मॉडर्न अपडेटेड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। हम थॉप्स वाले की डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन स्टिल दे वर इम्पोर्टेंट, दे वर द बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, तो लर्न्ड बिहेवियर्स। तो हम थोड़ा सा उसकी एक ओवरव्यू देखेंगे कि व्हाट ही बेसिकली सेड अबाउट लर्न्ड बिहेवियर्स, ठीक है। ओके, आई हैविंग प्रॉब्लम विद दिस लैपटॉप। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा हम उसकी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि अर्ली 1950s वाज रिवॉल्यूशन इन द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, और इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट गुजरे हैं, निको टिम्पर्जन जिनको नोबेल प्राइज मिला था उस पर, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि लर्निंग एज एन एडाप्टिव प्रोसेस, ठीक है। तो जो विलियम थॉर्पी था, ही टाइपिफाइज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ जूलॉजिस्ट हु हैड ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन लर्निंग एज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ स्पीशीज एडाप्टिव कैपेसिटीज। उसने कहा कि लर्निंग जो है वो स्पीशीज की एडाप्टिव कैपेसिटी है, कि वो एनवायरनमेंट के साथ कैसे एडॉप्ट करता है, ठीक है। फिर ये उसकी कुछ हिस्ट्री शो की गई है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि उसने अपना पेपर पब्लिश किया उसमें जो है क्या उसने उस बारे में डेवलपमेंट्स की, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बात है यहाँ पर रिलेट कर रही है, जो आप लोगों से शेयर करने का पर्पस है, वो ये है कि थॉर्पी ने कहा, अगर मैं इसको समराइज करूँ, कि लर्निंग और लर्न्ड बिहेवियर से ज़्यादा एक और चीज़ है जिसको साइंटिस्ट्स ने इग्नोर किया। लाइक लर्निंग पे एक्सपेरिमेंट्स हुए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन उसने कहा कि देट इज़ एडाप्टिव चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। अब वो एडाप्टिव चेंजेस पे जो है वो उसको देट वॉज द मोस्ट इग्नोर्ड एरिया इन एनिमल बिहेवियर। और उसने क्यों ऐसा कहा, बिकॉज He noted that there was much to be gained from those who studied conditioning and maze learning, but there had been a tendency for such work to be too exclusively concerned with a few species studied under highly artificial conditions, ignoring the immense variety and plasticity of behavior as seen under natural condition. अच्छा, बात यहाँ पे सिंपल ये है, उसने कहा कि ठीक है, साइंटिस्ट जो है वो कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट्स करते रहे, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, और आपने भी कुछ प्रीवियस टाइम्स में अगर BSc वगैरह में पढ़े होंगे तो मेज लर्निंग, मेज के अंदर ऐसे जो है वो रेट्स को, माइस को जो है उसकी मेज के अंदर अपना रास्ता तलाश करना, वो वाले जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, और जैसे पावलोव जो था उसने, हम आगे पढ़ेंगे कंडीशन उसमें रिफ्लेक्सेस में डॉग के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया था। तो मोस्टली लेबोरेटरी एनिमल्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि दे वर कंसर्न विद फ्यू स्पीशीज लाइक डॉग्स, माइस, रेट्स, ठीक है, कुछ चिंपैंजीज वगैरह, और हाईली आर्टिफिशियल कंडीशंस है ये, ठीक है, इग्नोरिंग द इमेंस वैरायटी एंड प्लास्टिसिटी ऑफ बिहेवियर एज सीन अंडर नेचुरल कंडीशंस। नेचुरल कंडीशंस में जो एनिमल बिहेव करता है उसके बहुत सारे जो है फैक्टर्स हैं जहाँ जो यहाँ पे फुलफिल नहीं होती। तो उसने कहा कि यहाँ कुछ और है जिसको देखने की ज़रूरत है, और वो ये है कि उसने लर्निंग को क्लासिफाई किया। ही प्रोसीडेड टू क्लासिफाई परहैप्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न जूलॉजिकल लिटरेचर टाइप्स ऑफ लर्निंग, उसने फॉर द फर्स्ट टाइम जो है क्लासिफाई किए। और उसने जो क्लासिफिकेशन की
लर्न्ड बिहेवियर्स की, तो वो फाइव बेसिक क्लासिफिकेशंस जो कि गिवन है यहाँ पे, हैबिचुएशन, कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, कंडीशनिंग टाइप वन एंड टाइप टू को हम कहते हैं, इनसाइट लर्निंग एंड इम्प्रिंटिंग। और हमारा जो इंशाल्लाह आगे आने वाला कोर्स है तो वो जो है मोस्टली इसी पे बेस करता है, और हमारा 70% 70-80% कोर्स इन टॉपिक्स से कवर होगा। फिर आगे कुछ हमारे पास सोशल बिहेवियर्स वगैरह, और हम कोर्स को कंक्लूड करेंगे। सो आगे हमारा मेजर सिलेबस, इस पे मैंने टाइम इस वजह से लिया थोड़ा ये थॉरपीज क्लासिफिकेशन पे, कि ये आपका आने वाला मोस्टली सिलेबस पार्ट कवर कर रहा है। अब हम इसके आगे यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे वन बाय वन, बिकॉज ये पुरानी जो है स्टडी है और 1950s और 60s की बातें हैं, तो हम आगे जाएंगे। लेकिन अपनी अपडेटेड जो हमारी न्यू बुक है जो हम फॉलो कर रहे हैं, सो हम ये सारे टॉपिक्स उसमें कवर करेंगे। और जैसे यहाँ पे भी लिखा गया है कि ये काफ़ी इसमें काम हुआ है आगे, और हम अब इस बुक को लेकर वो सारे जो थॉरपीज के क्लासिफिकेशन है उसी को लेकर चलेंगे, और नंबर वन सॉरी वन बाय वन हम जो है सबको डिस्कस करेंगे। ओके, सो उसमें नंबर फर्स्ट हैबिचुएशन था हमारा भी यहाँ पे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हैबिचुएशन एंड सेंसिटाइजेशन। ओके, सो हैबिचुएशन एंड सेंसिटाइजेशन यहाँ दोनों एक साथ डिस्कस हुए हैं, हम उनको अलग अलग स्टडी करेंगे, उनमें फ़र्क है, बट डिस्कस एक साथ इस वजह से हुए है बिकॉज बोथ results from a repeated exposure of the animal to a single event. एक चीज़ कॉमन है habituation और sensitization में, वो क्या है कि ये वो behaviors हैं जो एक ही event के response में, event mean कोई stimulus, ठीक है, तो एक ही stimulus और एक ही event जो है वो बार बार होता है, तो animal उसके लिए जो रिस्पॉन्स शो करते हैं डेट इज़ हैबिचुएशन एंड सेंसिटाइजेशन, एंड दस डिफर फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ लर्निंग वेयर द एनिमल लर्न्स अबाउट रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट इवेंट्स। जितने भी बाकी सारे बिहेवियर्स हैं उसमें क्या है कि मुख्तलिफ चीज़ें इन्वॉल्व है, डिफरेंट इवेंट्स इन्वॉल्व है, ठीक है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि क्या क्या है, कंडीशन लर्निंग हम पढ़ेंगे और भी बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन अब वो वहाँ पर बात यह है कि डिफरेंट इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट स्टिमुलस इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे सेम इवेंट जो है वो बार बार रिपीट होता है कोई स्टिमुलस के रिजल्ट में, तो उसके लिए एनिमल क्या करता है, एक बिहेवियर बिल्ड करता है, रिस्पॉन्स शो करता है, उसको हम कहते हैं हैबिचुएशन एंड सेंसिटाइजेशन। लेकिन अब इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, और वो है कि इन द केस ऑफ हैबिचुएशन द अपशॉट इज अ रिडक्शन इन रिस्पॉन्स टू द इवेंट, वाइल इन सेंसिटाइजेशन द रिस्पॉन्स इंक्रीजेज। सिंपल है, हैबिचुएशन में क्या है कि एक स्टिमुलस है वो बार 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 अकर हो रहा है, और एनिमल जो है उसके रिस्पॉन्स में क्या करता है, रिडक्शन इन रिस्पॉन्स, वो उसको इग्नोर करता है, ठीक है, रिडक्शन, उसको रिस्पॉन्स शो नहीं करता, जैसा ही वो स्टिमुलस वो इवेंट जो है वो अकर होता है, बार बार होता है, तो एनिमल उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। बल्कि और अदरवाइज अदर हैंड सेंसिटाइजेशन क्या है कि रिस्पॉन्स इंक्रीज होता है, जितना वो इवेंट बार बार होता है तो एनिमल उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स शो करता है, जैसे कि हम कहते हैं ना एनॉय होना, तंग होना, कुछ लोग होते हैं जो हमें तंग करते हैं तो हम कहते हैं कि यार जाओ बाहर में, ठीक है, और ये तो मतलब इसकी तो एक दिन नहीं है, और ये जो है हमें पता होता है कि ये तंग करता है, तो हम उसको दूसरी तीसरी बार में इग्नोर कर देते हैं, सो दिस इज़ हैबिचुएशन। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब आपको जितना तंग करते हैं तो आप उतना ही तंग होते जाते हैं, ठीक है, और आपका रिस्पॉन्स डबल ट्रिपल होता जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास के अंदर एक फ्रेंड आपका आपको जो है तंग कर रहा है, तो आप क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है, हो गया, दैट इज हैबिचुएशन। लेकिन कभी कभी एक फ्रेंड ऐसा होता है जो आपको मतलब आप कुछ भी करके आपको तंग कर रहा है तो आप उसकी तरफ पहले देखते हैं, ठीक है, दूसरे रिस्पॉन्स में दो दफ़ा देखते हैं, ठीक है, तीसरे रिस्पॉन्स में आप उसको शायद थप्पड़ मार दे या कोई आवाज़ दे दे। अच्छा क्या है, दिस इज़ सेंसिटाइजेशन, जब रिस्पॉन्स इंक्रीज होता जाता है। एनी हाउ आज का हमारा टॉपिक डेट इज़
हैबिचुएशन हम सेंसिटाइजेशन भी पढ़ेंगे, लेकिन आज का हमारा बेसिक टॉपिक है हैबिचुएशन। अच्छा, हैबिचुएशन जैसे हमने पढ़ा, तो एक साइंटिस्ट ने उसको डिफाइन किया है, रेजरन हैज़ डिफाइंड हैबिचुएशन एज लर्निंग व्हाट नॉट टू डू। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बहुत ही अच्छे तरीके से उसको डिफाइन किया कि लर्निंग व्हाट नॉट टू डू, एनिमल को क्या नहीं करना है। ठीक है, क्या नहीं करना, रिस्पॉन्स नहीं शो करना किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर के जवाब में, सॉरी स्टिमुलस के जवाब में बिहेवियर शो नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिखा गया है, हम इसको हाईलाइटेड पोर्शन जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट किया है, तो हम ज़रा इसको रीड आउट करेंगे, बिकॉज विदाउट रीडिंग हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो ज़्यादा जो एक्स्ट्रा मतलब है ये आप खुद पढ़ सकते हैं, फिर इसके अंदर क्या वो हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक लाइन है वो देखते हैं कि मोर स्पेसिफिकली इट एलिमिनेट्स रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई दैट आर समटाइम्स इम्पोर्टेंट बट दैट इन अ पर्टिकुलर इंस्टेंस आर नॉट। क्या है कि हम कौन से लर्निंग व्हाट नॉट टू डू, इसका क्या मतलब है कि कौन से बिहेवियर्स को इग्नोर करना है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि रिस्पॉन्स शो नहीं करना किस चीज़ को, एक ऐसे स्टिमुलाई को, एक ऐसे स्टिमुलस को जो कि इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि वो स्टिमुलस इम्पोर्टेंट नहीं होता, वो अदर सिचुएशंस में, दूसरे सिचुएशंस में वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टिमुलस होता है। ठीक है, जिससे एनिमल को फ़ायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है उसको इग्नोर करके, लेकिन जब वो बार बार होता है सो एक इन पर्टिकुलर इंस्टेंस वो इम्पोर्टेंट होता है, बट एक खास मौके पे वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। ठीक है, बिकॉज यही तो पूरा कॉन्सेप्ट है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस बिहेवियर के लिए एनिमल हैबिचुएट हो वो बिहेवियर इम्पोर्टेंट नहीं होता, वो इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रस्टलिंग लीव्स फॉर इंस्टेंस may be worth reacting to example by orienting or hiding because they sometimes indicate the approach of a predator. Repeated rustling without the appearance of a predator, however, is probably just caused by the wind and can be ignored. अच्छा, अब forest में क्या हो सकता है कि rustling of leaves, leaves जो खुश्क पत्ते होते हैं forest में, उसकी जो sound है, ठीक है, अब वो साउंड अगर कोई एनिमल इग्नोर नहीं कर सकता, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जो रस्टलिंग ऑफ लीव्स है, जो खुश्क पत्तों की जो साउंड है, उसका क्या मतलब है, उसका बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज हो सकता है कि कोई प्रीडेटर आ सकता है। ठीक है, अब प्रीडेटर जो है वो उससे हाइड करना, ठीक है, उसके खिलाफ एक्शन मतलब रिएक्शन शो करना, वहाँ से भागना वगैरह, ये सारे रिस्पॉन्सेज शो करता है एनिमल, तो ये स्टिमुलस बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर रिपीटेड रस्टलिंग ऑफ लीव्स है कि प्रीडेटर नज़र नहीं आ रहा और लीव्स की आवाज़ बार बार आ रही है, या विंड चल रही है, ठीक है, या कोई और रीज़न है, लेकिन प्रीडेटर नहीं है, तो वो एनिमल उसके साथ हैबिचुएट हो जाता है, वो फिर रस्टलिंग ऑफ द लीव्स को क्या करता है, इग्नोर करता है, वो उसको रिस्पॉन्स शो नहीं करता, रिस्पॉन्स शो नहीं करता। ये मेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरा, ये ह्यूमंस में भी है। ठीक है, ऑब्वियसली वी आर एनिमल्स, तो मार्गला हिल्स में जब मेरा रिसर्च था, तो व्हेन आई वाज इन माय फील्ड वर्क, वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे एक बर्ड्स की कोई स्पीशीज़ है जिसको वार्बलर्स कहते हैं। ठीक है, तो वार्बलर्स जो बर्ड्स हैं वो बेसिकली दे आर ग्राउंड ड्वेलर्स, वो ग्राउंड पे फॉरेस्ट लीव्स को जो है बहुत ज़्यादा रसल अराउंड करते हैं, वो उसके अंदर फूड पैकिंग करते हैं। तो वो स्टार्ट में ऐसा लगता था बिल्कुल, क्योंकि मेरा काम मैमल्स पे था, सो लगता था कि कोई मैमल है, ठीक है, कोई बड़ा एनिमल है जो कि तो हम अलर्ट हो जाते थे जब देखते थे, तो वहाँ पे ये वार्बलर्स होते थे, बिल्कुल इनकी साउंड ऐसे साउंड प्रोड्यूस करते थे जैसे कोई बड़ा एनिमल अप्रोच कर रहा है। ठीक है, फिर इट टुक मी 2 to 3 weeks टू हैबिचुएट टू दैट, क्योंकि ऐसा भी नहीं होता कि बहुत जल्दी जो है दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में वो आप हैबिचुएट हो जाते हो, नहीं, इट टुक मी टाइम, लेकिन एट लास्ट मैं उसके साथ हैबिचुएट हो गया कि ओके दीज आर वार्बलर्स और ये मैमल्स नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट हैबिचुएशन। सो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हैबिचुएशन इज स्टिमुलस स्पेसिफिक, सो रिस्पॉन्सिवनेस इज रिड्यूस्ड ओनली विद रिस्पॉन्स टू द हैबिचुएटिंग स्टिमुलस और समथिंग एल्स वेरी लाइक इट। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है हैबिचुएशन का कि एनिमल कुछ टाइम के लिए सारे स्टिमुलस के लिए
सेंसलेस हो जाता है, नहीं एक पर्टिकुलर स्टिमुलस जिसको हमें हैबिचुएटिंग स्टिमुलस कहते हैं, या उससे रिलेटेड क्लोजली रिलेटेड कोई स्टिमुलस हो तो एनिमल उसके लिए हैबिचुएट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे इसके लिए एक एग्जांपल, ऑब्वियसली हम एनिमल बिहेवियर में जो भी पढ़ेंगे तो उसके साथ हम हर टॉपिक के साथ हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल जो है इम्पोर्टेंट एग्जांपल मस्ट स्टडी करेंगे, बिकॉज यही तो मेन पॉइंट है एनिमल बिहेवियर का कि हम इसको, सॉरी लर्न्ड बिहेवियर्स का, कि हम उनको इस तरह क्रिटिकली डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास कुछ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स होती हैं जो कि उस कैटेगरी में फॉल करती हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, दैट इज टेरिटोरियल मेल थ्री स्पाइंड स्टिकलबैक फिशेज। ठीक है, ये है थ्री स्पाइंड स्टिकलबैक्स, बहुत इम्पोर्टेंट एक स्पीशीज़ है फिशेज़ की, जो कि इनमें एनिमल बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें काफ़ी स्टडी की गई है। यहाँ पे इसको हैबिचुएशन इन टेरिटोरियल मेल, टेरिटोरियल क्यों का यहाँ पे कहा गया है, बिकॉज दे एग्जिबिट टेरिटोरियल मार्किंग। ठीक है, और टेरिटोरियलिटी ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा एक टॉपिक आने वाला है एंड में, जब हम सोशल बिहेवियर पढ़ेंगे तो उसमें ये एक बड़ा टॉपिक है, टेरिटरी मार्किंग और टेरिटोरियलिटी। ठीक है, ये वो बिहेवियर है जिसमें मेल मेंबर्स ऑफ स्पीशीज वो क्या करते हैं, एक टेरिटरी मार्क करते हैं और उसको डिफेंड करते हैं। ओके, कमिंग टू द एग्जांपल, तो ये फिर आप टेक्स्ट रीड कर लें, हम एग्जांपल में टेक्स्ट रीड नहीं करेंगे, मैं आपको शॉर्टली इसको ब्रीफली बताता हूँ कि इसमें है क्या, कि दो साइंटिस्ट्स हैं पीक एंड वेनो इन 1973, उन्होंने क्या किया कि जो स्टिकल बैक फिशेज हैं उनको एक कैप्टिविटी में रखा। ठीक है, एक ग्लास कंटेनर्स में, एक्वेरिया में उनको रखा और उनके लिए क्या किया, दे वर अलाउड टू एस्टेब्लिश ब्रीडिंग टेरिटरीज। ठीक है, व्हेन दे अलाउड कैप्टिव मेल्स टू एस्टेब्लिश ब्रीडिंग टेरिटरीज, पीक एंड वेनो फाउंड दे वर इनिशियली वेरी अग्रेसिव टूवर्ड्स नेबरिंग इंडिविजुअल्स बट दैट रिस्पॉन्सिवनेस क्विकली डिक्लाइंड। क्या हुआ कि उन्होंने कैप्टिव रखा मेल्स को जो स्टिकल बैग्स हैं एक, और उनको अपनी वो टेरिटरी जो नेस्ट्स हैं सैंड से बनाते हैं वो लोग। ठीक है, तो उसको दे वर अलाउड टू बिल्ड देयर टेरिटरीज। ठीक है, वो उन्होंने अपने नेस्ट्स बनाए उन फिशेज ने अपने अपने, और स्टार्ट में जो उनके साथ जो कैप्टिविटी के अंदर जो नेबरिंग इंडिविजुअल्स थे मेल स्टिकल बैग्स के, सारे मेल्स थे, तो उसके लिए स्टार्ट में काफ़ी वो रिस्पॉन्सिव थे, एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे थे, बिकॉज टेरिटोरियलिटी इज़ ऑल अबाउट एग्रेसिव बिहेवियर टूवर्ड्स काउंटर पार्ट मेल्स जो होते हैं, दूसरे मेल्स जो होते हैं उनके लिए काफ़ी एग्रेसिव, बिकॉज हर एनिमल जो है वो टेरिटोरियल मार्किंग में अपनी टेरिटरी मार्क करता है, फिर उसके अंदर जो भी दूसरा मेल आता है तो उसके खिलाफ रिस्पॉन्स शो करते हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ टाइम तक उन्होंने रिस्पॉन्स शो किया, लेकिन फिर दे क्विकली डिक्लाइन दैट, उन्होंने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। अब बिकॉज दिस मेक्स सेंस, सिंस देयर इज नो पॉइंट हेरिंग फिश दैट आर अनलाइकली टू बी इंट्रूडर्स। अब क्यों, रीज़न ये है कि यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है कि वो किसी ऐसे फिश के बारे उनको रिस्पॉन्स शो करे जो कि इंट्रूडर नहीं, इंट्रूडर मीन बाहर से आने वाला, बिकॉज उनको पता चल गया कि अब ये मेरे नेबर्स हैं। ठीक है, ये बाहर से नहीं आए और ये जो है दे आर नॉट गोइंग टू हार्म मी। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। अब क्या है, हाउ एवर टेरिटरी ऑनर्स कैन नॉट अफोर्ड टू जनरलाइज हैबिचुएशन टू ऑल अदर स्टिकल बैग्स बिकॉज सम ऑफ देम विल बी इंट्रूडर्स एंड हैबिचुएशन शुड दस बी कन्फाइंड टू नेबर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब जो टेरिटरी ऑनर है, जो फिश है, जो जिसने जो नेबर्स को रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा, वो उसको जनरलाइज नहीं कर सकता, इस हैबिचुएशन को सारे स्टिकल बैग्स पे अप्लाई नहीं कर सकता कि बाहर से अब कोई तीसरा स्टिकल बैग आएगा तो वो उसके लिए भी हैबिचुएट होगा, नहीं। ठीक है, उसका क्या मतलब है कि वो इंट्रूडर भी हो सकता है। ठीक है, तो हैबिचुएशन शुड दस बी कन्फाइंड टू नेबर्स, हैबिचुएशन सिर्फ तो नॉट जस्ट फॉर स्टिकल बैग, ये हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं, इसको आप सारे डिफरेंट उस पर अप्लाई कर सकते हैं कि जो
नेबर्स हैं, क्लोज नेबर्स हैं, उनके लिए वो हैबिचुएट हुआ, लेकिन अगर कोई इंट्रूडर स्पीशीज़ आएगी, तीसरा स्टिकल बैक आएगा, तो वो उसके लिए ज़रूर रिस्पॉन्स शो करेंगे. सो दिस इज़ वॉट वी कॉल्ड हैबिचुएशन, के दे आर हैबिचुएटेड ओनली फॉर देयर नेबर्स बट नॉट फॉर द इंट्रूडर्स. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और क्या किया कि एक इंट्रूडर फिश, एक आर्टिफिशियल फिश जो है वो क्या किया, उस ग्लास ट्यूब के अंदर डिफरेंट लोकेशंस पे उनमें रखा. तो और दे वर एक्सपोज टू ईच इंट्रूडर फॉर 30 मिनट्स विद 15 मिनट्स ऑफ ब्रेक. तो क्या किया इन्होंने कि एक फिश लिया, इंट्रूडर एज अ इंट्रूडर, एक न्यू इंडिविजुअल के तौर पे एक आर्टिफिशियल स्टिकल बैग जो है वो उसके अंदर रखा, उस ग्लास के अंदर, ग्लास एक्वेरिया के अंदर, ठीक है. 30 मिनट्स के लिए उसको रखते थे और 15 मिनट्स के लिए उसको निकालते थे, ब्रेक पर रखते थे, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द हैबिचुएशन रिस्पॉन्स. तो उन्होंने क्या किया कि चार मुख्तलिफ जो है उन्होंने टेस्ट्स किए. नंबर वन, द सेम फिश इन द सेम लोकेशन, सेम फिश इन डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट फिश इन सेम लोकेशन, एंड अ डिफरेंट फिश इन डिफरेंट लोकेशन. क्या किया कि जो फिश था, एक इंट्रूडर फिश को पहले रखा, एक फिश को सेम लोकेशन पे बार बार रखा, फिर उसको उसी फिश को सेम फिश को डिफरेंट लोकेशन पे रखा बार बार, ठीक है. फिर क्या किया कि डिफरेंट फिश लिया, उस फिश से डिफरेंट, और उसको उधर ही सेम लोकेशन पे जहाँ पे पहले फिश को रखा था उधर रखा, और फिर जो है डिफरेंट फिश को डिफरेंट लोकेशन पे. तो ये चार कंडीशंस उन्होंने ट्राई किए, टेस्ट किए. तो रिजल्ट ये शो हुआ कि इसको मैं अगर समराइज करूँ तो उसमें यह था कि जो ऑनर था, जो ऑलरेडी मौजूद फिश था, उसने क्या किया कि सबसे कम एग्रेशन शो किया टुवर्ड्स स्टिमुलस ए, ठीक है, कि सेम फिश और सेम लोकेशन पे उसको रखा. फिर जो है थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पांस शो किया सेकंड पे, कि उसी फिश को जब दूसरे लोकेशन पे रखा तो उसने थोड़ा ज़्यादा रिस्पांस शो किया, और तीसरे के लिए और ज़्यादा शो किया कि डिफरेंट फिश उधर उसी लोकेशन पे रखा, और सबसे ज़्यादा रिस्पांस जो है फोर्थ कंडीशन में शो किया कि डिफरेंट फिश को डिफरेंट लोकेशन पे रखा गया. तो अब आप देख सकते हैं कि द डिक्रीजिंग फेमिलियरिटी विद द स्टिमुलस इन टर्म्स ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड लोकेशन, यहाँ पे दोनों चीज़ें मैटर कर रही है, इंडिविजुअल भी मैटर कर रहा है और उसकी लोकेशन भी मैटर कर रही है. तो जितना ये दोनों चेंज होते रहे, जब सिर्फ लोकेशन चेंज हुआ तो इतना रिस्पॉन्स नहीं था, लेकिन जब फिश भी चेंज हुई, इंडिविजुअल भी चेंज हुआ और लोकेशन भी, तो फिर उसने ज़्यादा रिस्पॉन्स शो किया. अच्छा, हाउ एवर, ये एक इम्पॉर्टेंट है, हाउ एवर इट डिड नॉट अफेक्ट द रेट एट विच हैबिचुएशन सब्सिक्वेंटली अकर्ड, ऑल हैव अप्रोक्सीमेटली द सेम स्लोप. अच्छा, एक दफ़ा उसने ज़्यादा रिस्पॉन्स शो किया, लेकिन फिर जब उसके साथ, जाहिर है वो फॉर द फर्स्ट टाइम थे, तो फिर जब रिपीट किया गया तो सब के साथ उसकी हैबिचुएशन हुई, वो मेल जो है वो सब के साथ हैबिचुएट हुआ, और उसके बाद द वो जो रेट ऑफ हैबिचुएशन है वो सेम रहा. कैसे सेम रहा, कि ये आप ग्राफ देख सकते हैं कि जो स्लोप है वो सेम है सबके लिए, और हम अभी इसको डिस्कस करते हैं कि उसके बाद जब पहली दफ़ा रिएक्शन ज़्यादा शो किया तो फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली उसके साथ हैबिचुएट हुआ, उसी तरह जिस तरह बाकी कंडीशंस में, जो फर्स्ट केसेस हमने डिस्कस किए उनमें हैबिचुएशन हुई. तो कैसे, इसको आप अगर देखें तो ये ग्राफ मैं आपको समझाता हूँ. ये फिश है स्टिकल बैग जिसने रिस्पॉन्स शो किया, रिस्पॉन्स को हमने प्लॉट किया है y एक्सिस पे, लेफ्ट साइड पे, ठीक है, और देट इज़ बाइट्स पर पीरियड, के फिश जो है वो जो 30 मिनट्स का टाइम है उतने उसमें कितने बाइट्स लगाता है उस आर्टिफिशियल फिश पे, ठीक है. तो उसको काउंट किया गया,
सो उससे रिस्पॉन्स का पता चला कि जितने ज़्यादा वो कम उस ड्यूरेशन में जितने ज़्यादा बाइट्स उसने लगाए तो वो उसका क्या है एग्रेशन शो कर रहा है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम बिलो और राइट साइड पे वो टाइम है कि इत 2 मिनट्स में वो कैसे जो है उसके साथ हैबिचुएट हुआ और वो उसका रिस्पॉन्स कम होता गया. ठीक है, तो नंबर वन आप देख सकते हैं कि इसको अगर हम रीड करें तो सेम लोकेशन वाले फिश को जो है बोल्ड डॉट से शो किया गया जो सबसे नीचे वाला स्लोप है. ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट था जो सेम फिश ऑन द सेम लोकेशन तो उसके लिए सबसे कम एग्रेशन शो किया है. देखें ग्राफ नीचे है लेकिन बाकी हैबिचुएशन सेम है. ठीक है, सेकंड पे है हमारे पास जो इधर शो हुआ है फ्रॉम अ ट्रायंगल. तो ट्रायंगल वाला आप देख लें सेकंड, वो है सेम फिश एट डिफरेंट लोकेशन तो थोड़ा सा ज़्यादा उसने रिस्पॉन्स शो किया है, जो ग्राफ थोड़ा ऊपर है फिर हैबिचुएट हुआ है. थर्ड में स्क्वायर से शो हुआ है वो है वो फिश जो डिफरेंट है लेकिन सेम लोकेशन पे है तो उसको उसने मज़ीद जो है ज़्यादा रिस्पॉन्स शो किया है. आप देख सकते हैं ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर डाउन हो रहा है, हैबिचुएट हो रहा है. और आखिर में जो राउंड क्या है हॉलो सर्कल है वो शो कर रहा है उस फोर्थ कंडीशन को कि फिश भी डिफरेंट है और डिफरेंट लोकेशन पे उसको रखा गया तो उसने उसके लिए सबसे ज़्यादा एग्रेसिव रिस्पॉन्स शो किया. लेकिन फिर वो ग्राफ नीचे आके एंड पे आप देखें तो सारे ग्राफ्स आपको ऑलमोस्ट सेम पॉइंट पे मिलेंगे बिकॉज हैबिचुएशन फिर भी होती है. ठीक है, लेकिन उनका इंटेंसिटी उनकी इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज थी स्टार्ट में और बाद में जो है वो डिक्रीज होती गई. ठीक है, और हैबिचुएट होता गया फिश. सो दिस इज़ कॉल्ड हैबिचुएशन. एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए वो फिश जो है वो एनिमल जो है वो रिस्पॉन्स शो करता है और फिर वो रिस्पॉन्स कम होता जाता है जब उसकी रेपिटेशन होती है. ठीक है, दैट्स अबाउट हैबिचुएशन. और अच्छा, ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एस्टेब्लिश दैट हैबिचुएशन रियली इज़ द रिजल्ट ऑफ लर्न नॉन रिस्पॉन्सिवनेस एंड नॉट द अपशॉट ऑफ समथिंग लेस इंटरेस्टिंग सच एज फटीग और सेंसरी अडॉप्टेशन. अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग ये बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि हैबिचुएशन सिंपली वो नहीं है कि एक एनिमल किसी स्टिमुलस को सेंस ही नहीं करता. ठीक है, या उसके लिए वो क्या है अब इंटरेस्ट नहीं शो करता या जो है फटीग की वजह से वो थक गया है उसको रिस्पॉन्स करते करते इस वजह से नहीं, या जो है सेंसरी अडॉप्टेशन के उसके सेंसेशंस जो है सेंसरी स्टिमुलस जो क्या है उसको रिसीव करना रिसेप्टर्स उसके रिसेप्टर जो है वो वीक हो गए हैं जिसकी वजह से वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा. नहीं, इट इज़ लर्नड नॉन रिस्पॉन्सिवनेस. एनिमल ने लर्न किया है कि कैसे उसको रिस्पॉन्स नहीं देना. ये क्या है विलिंगली है, विलिंगली उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा. ये एनिमल क्या करता है उसको लर्न. दिस इज व्हाट दिस इज द पंच लाइन कि यहाँ पे लर्निंग है. नॉन रिस्पॉन्सिवनेस को सीखा है एनिमल ने इंस्टेड ऑफ कि वो थक गया है या जो है उसके नर्व थक गए हैं या जो है रिसेप्टर जो है वो स्लो हो गए हैं. ठीक है, या इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा. इसकी एग्जांपल यहाँ पे दी है कि फॉर एग्जांपल हम जब कपड़े पहनते हैं जब हम ड्रेस पहन लेते हैं तो कुछ टाइम के लिए हमें कुछ टाइम के बाद हमें ड्रेस कपड़े जो है फील नहीं होते. ठीक है, जब हमारे हम बाहर निकलते हैं और थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है तो वो हमने जिस तरह के भी कपड़े पहने हों वो हमें फील नहीं होते फिर. ठीक है, वजह क्या है, वजह ये नहीं है कि हम हैबिचुएट हो गए हैं. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है. हम अपने कपड़ों के साथ हैबिचुएट नहीं होते. हम क्या होते हैं, हमारे सेंसरी सेल्स जो हैं वो उसके साथ एडाप्ट हो जाते हैं रादर देन हैबिचुएटिंग. लर्निंग टू इग्नोर द स्टिमुलेशन. हमारे जो सेंसरी जो स्किन के ऊपर बेरो रिसेप्टर्स हैं टच रिसेप्टर्स हैं वो उसको रिस्पॉन्ड करना छोड़ देते हैं. ठीक है, जो ड्रेस है हमारे जो कपड़े हैं. ठीक है, तो हमें कुछ टाइम के बाद कपड़े फील नहीं होते. इसका मतलब हैबिचुएशन नहीं है कि हम हैबिचुएट हो गए. इस
को हम कैसे समझेंगे। फॉर एग्जांपल हम कपड़े हमारे ऊपर जो है वो फील नहीं होते कुछ टाइम के बाद, लेकिन अगर आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा कपड़ों के अंदर कोई लेबल होता है, टी शर्ट्स के अंदर अक्सर जो है वो प्लास्टिक का लेबल होता है जो 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 रेगुलरली आपको फील होता है, आपको तंग करता है, ठीक है। कोई भी चीज़ ड्रेस के अंदर ऐसी होती है जो चुभती है, तो अब आपको आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, अगर क्योंकि वो भी तो ड्रेस का पार्ट है, लेकिन वो आपको बार बार स्टिमुलेट कर रहा है, वो आपको तंग कर रहा है, ठीक है। सो आप क्या करते हैं, वो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर उसको भी आप इग्नोर करना सीख गए, सो देट इज़ हैबिचुएशन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब तक हम वो उसको ठीक नहीं कर देते या निकाल नहीं देते, तब तक जो है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन हैबिचुएशन एंड क्या है, उसको सिंपली इग्नोर करना या सेंसरी अडॉप्टेशन इसको कह सकते हैं, ठीक है। ओके तो यहाँ पे फ़र्क आ गया सेंसरी अडॉप्टेशन एंड हैबिचुएशन के अंदर। सो यहाँ पे मेन पॉइंट ये था कि हैबिचुएशन ये सेंसरी अडॉप्टेशन नहीं है, हैबिचुएशन इज़ लर्निंग, एनिमल लर्न करता है, ठीक है। क्योंकि अगर ये सेंसरी अडॉप्टेशन होता तो एक सिचुएशन में एनिमल उस एक दफ़ा जब हैबिचुएट हो जाता तो फिर वो सारे स्टिमुलस के लिए, वो स्टिमुलस कहीं पे भी कभी भी आता तो एनिमल उसको इग्नोर करता, जो कि बहुत ख़तरनाक बात थी। बाज़ दफ़ा वो कोई दूसरा मतलब इम्पोर्टेंट स्टिमुलस हो सकता था और वो है एनिमल उसको इग्नोर कर देता, ठीक है। सो सेंसरी अडॉप्टेशन नहीं है, हैबिचुएशन लर्निंग है, एक पर्टिकुलर बिहेवियर एक ख़ास वक्त में एक ख़ास एनिमल को एक ख़ास स्टिमुलस को अडाप्ट करना, उसको उसके लिए एक हैबिचुएशन, उसको नॉन रिस्पॉन्सिवनेस एक टर्म है इसके लिए, नॉन रिस्पॉन्सिवनेस शो करना इज़ ऑल अबाउट हैबिचुएशन। अब कंक्लूडिंग पैराग्राफ है हमारा, बस फिर वाइंड अप करते हैं इस टॉपिक को। सो इसमें क्या कहते हैं कि हैबिचुएशन सीम्स टू अकर थ्रू आउट द एनिमल किंगडम एंड इट्स डिमॉन्स्ट्रेशन इन ग्रुप्स सच एज नाइडेरिया एग्जाम्पल हाइड्रा विच डू नॉट अपियर टू बी कैपेबल ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग इम्प्लाइज दैट एट लीस्ट सम ऑफ द प्रोसेस अंडरलाइंग हैबिचुएशन आर नॉट शेयर्ड विद कंडीशनिंग हाउ एवर देयर इज कंसिडरेबल डिबेट अबाउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन हैबिचुएशन एंड मोर कम्प्लेक्स लर्निंग एट द फंडामेंटल लेवल ऑफ प्रोसेस। अच्छा, इस पैराग्राफ का मेन पॉइंट यह है कि हैबिचुएशन और कंडीशनिंग में भी फ़र्क है। कंडीशनिंग हम आगे जाके पढ़ेंगे, जो कि थोरपीज क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो सेकंड टाइप है। कंडीशनिंग क्या है कि इसमें एक एनिमल एक स्टिमुलस को किसी दूसरे स्टिमुलस के साथ एसोसिएट कर देता है, कंडीशन कर लेता है। कंडीशन मीन वो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जो हम पढ़ेंगे, पावलोवियन डॉग्स का जो है, पावलोव जो साइंटिस्ट था, बड़ा मशहूर एनिमल बिहेवियरिस्ट है, उसने डॉग और फूड का एक्सपेरिमेंट किया था, बेल के साथ उसको फूड देता था और वो सब हम पढ़ेंगे। अब वो भी अगर आप देखें तो वो भी हैबिचुएशन है कि उसने वो उस साउंड के साथ हैबिचुएट हो गया, नहीं। यहाँ पे ये है कि हैबिचुएशन और कंडीशनिंग के बीच में कुछ डिफरेंस है, ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें मैच करती हैं लेकिन बहुत सी चीज़ें नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल हैबिचुएशन देखी गई है हाइड्रा के अंदर, हाइड्रा एक जो है इन्वर्टिब्रेट है और इन्वर्टिब्रेट भी बड़ा जो है अनडेवलप्ड इन्वर्टिब्रेट नाइडेरियन से बिलोंग करता है सिलेंट्रेट्स में, और हाइड्रा को जब स्टडी किया गया उसके टेंटिकल्स को टच किया बार 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 तो वो टेंटिकल्स विदड्रॉ करता था, फिर हैबिचुएट हुआ और वो टच के साथ हाइड्रा जो है वो अपने टेंटिकल्स विदड्रॉ नहीं करता था, ठीक है। नाउ दिस इज हैबिचुएशन। अब एसोसिएटिव लर्निंग के लिए जो ब्रेन चाहिए, एसोसिएटिव लर्निंग के लिए जो ब्रेन चाहिए, जो एडवांस नर्वस सिस्टम चाहिए, वो तो हाइड्रा का नहीं है, लेकिन हाइड्रा ने हैबिचुएशन शो किया, ठीक है। तो इट मींस के हैबिचुएशन इज़ अ वाइड स्प्रेड फिनोमेना अक्रॉस द एनिमल किंगडम, वाइल अब एसोसिएटिव लर्निंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हायर एनिमल्स ओनली, जिसके लिए ज़्यादा इंटेलिजेंस लेवल रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो हैबिचुएशन जो है उसको अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करना फ्रॉम अदर बिहेवियर्स, वो आप लोगों ने देट इज़ द मेन पॉइंट जो आप लोगों ने सीखना है, ठीक है। और यहाँ पे एंड में इसको कंडीशनिंग के साथ भी रिलेट किया गया, यहाँ पे सेंसरी अडॉप्टेशन के साथ रिलेट किया गया, और
दैट्स ऑल अबाउट हैबिचुएशन. हमने स्टिकल बैग की एग्जांपल पढ़ी और इसको हमने बेसिक उसके बारे में ज़रा डिस्कस किया. नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह टॉपिक होगा दैट इज़ अबाउट सेंसिटाइजेशन, जो कि इससे रिलेटेड है लेकिन इसके अपोजिट है. ठीक है, हम उसमें भी इंशाल्लाह जाएंगे. सो दैट्स इट अबाउट टुडेज टॉपिक ऑफ हैबिचुएशन. सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह. सो साइनिंग आउट फ्रॉम टुडेज लेक्चर.